चलिए दोस्तों, मैं आपको आज बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, पूरा बिगिनर हो तो आप पूरा देखिए वीडियो, सब पूरा शुरू से आखिरी तक बताऊंगा, आप बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो दोस्तों, आपको सबसे पहले टेली या बिजी पढ़ने से, आप मेरे चैनल में जाकर टेली या बिजी का कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये याद होना ज़रूरी है, सी क्रेडिट और डेबिट का मतलब आपको 100% याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बिजी अकाउंट आप ज़रूर देखिए वीडियो को, सिर्फ 2 मिनट निकाल के देखिए, आपको इंटरेस्ट आने लगे। सपोज़ आप टेली या बिजी में कभी भी पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री करते हो, तो हमेशा याद रखिए CR मतलब आएगा तो गीवर होता है, CR मतलब गीवर होता है, देने वाला, और DR मतलब रिसीवर होता है, लेने वाला। ठीक है, याद रखिए CR मतलब गीवर। जैसे सपोज मैं किसी को पेमेंट करूँगा तो क्या होता हूँ, मैं CR मतलब गीवर, तो देने वाला, तो मैं पेमेंट करूँगा किसी को तो मैं क्या हूँगा, CR में मेरा अकाउंट आएगा। जैसे मेरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है तो मेरा अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और DR मतलब रिसीवर, उस पैसे को रिसीव कौन करने वाला, सामने वाला पार्टी, तो उस पार्टी को हम डेबिट करेंगे, हम अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सामने वाले पार्टी को डेबिट करेंगे। ठीक है, याद रखिए, हमेशा इसको याद कर लीजिए, CR मतलब गीवर और DR मतलब रिसीवर। हाँ, परचेस के केस में क्या होता है, जब परचेस और सेल करते हैं तो हमको कन्फ्यूजन रहता है किसको क्रेडिट करें और डेबिट, तो आप रूल याद रख लीजिए, पेमेंट के केस में CR मतलब गीवर और DR मतलब रिसीवर होता है, बट परचेस और सेल के केस में क्या होता है, CR मतलब क्रेडिट उसको करेंगे परचेस के केस में, परचेस के केस में पार्टी का नाम को हम क्रेडिट करेंगे, और सेल के केस में उस पार्टी का नाम को डेबिट करेंगे। बाकी अदर जो भी है, CGST SGST को, उसको जस्ट इसके अपोजिट करना। जैसे हम किसी पार्टी से सपोज कुछ खरीदते हैं तो हम उस पार्टी के अकाउंट को, लेज़र को हम क्रेडिट करेंगे परचेस करने के टाइम में, और जो भी हमारा CGST जो भी है ये सब डेबिट करेंगे। ठीक है, और सेल के केस में वही है DR। अब इसको याद रखने की एक ऑप्शन है, जितने भी हम किसी सामने वाले पार्टी से परचेस करते हैं उसको हम क्या अंडर हेड किसके रखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसके अकाउंट को, सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और सन्ड्री डेटर्स, और जिसको सेल करते हैं तो हम उसके अकाउंट को हमेशा सन्ड्री डेटर्स के अंदर में रखते हैं। ठीक है, जिसको सेल करते हो तो सन्ड्री डेटर के अंदर में, अंडर हेड ग्रुप के अंडर में, अगर लेज़र बनाएंगे टेली के केस में या बीजी के, तो हम उसको डेबिट करेंगे, बाकी सबको क्रेडिट करेंगे, जैसे CGST SGST परचेस अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट सेल अकाउंट को हम भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ गए ना आप, ये तो केस समझ गए। अब हम जाते हैं सबसे पहले बीजी कहाँ से डाउनलोड करते, तो आप सिंपल अपने गूगल में जाइए, यहाँ पर गूगल सर्च कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर इंटर करके गूगल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल में जाने के बाद बीजी यहाँ पर आ गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, आप नीचे में यहाँ ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, bg.in, ये ऑफिशियल हो गया, यहाँ पर लिखा है http://bg.in, इसको जैसे क्लिक करेंगे आपको बीजी का सॉफ्टवेयर अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से डाउनलोड करके, अब यहाँ पर से डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फाइल में डाउनलोड होगा, उसके बाद उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो सबसे पहले हम अब जाते हैं, यहाँ पर मैं बिजी खोल लिया हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया बिजी का। अब सबसे पहले आपको क्या रहता है, पहला कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले तो हमको कंपनी बनाना ही पड़ेगा, अब मैंने कंपनी नहीं बनाया, आप तरह तरह 3-4 एक ही बिजी में कई कंपनी खोल सकते हैं, तो यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी में जाऊँगा, और अब यहाँ पर यू सीम टू वॉन्ट टू बिजी बिफोर स्टार्टिंग, तो हमको कुछ नहीं करना है अभी, वीडियो कुछ नहीं देखना है, नो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट हमको अकाउंट लेजर करना है, तो मैं अपने कंपनी साहू ट्यूबर के नाम से एक कंपनी खोल दिया, साहू ट्यूबर PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आ गया, शॉर्ट नेम है तो कुछ रख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया कंट्री, अब यहाँ पर जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं छत्तीसगढ़ कर लिया। बिगिन कब से आप अकाउंट चालू करना चाहते हैं, 1/4 से ही फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, बुक्स भी वही 7 तारीख से होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, मैं शॉर्टकट में माठा पारा डाल देता हूँ, यहाँ पर माठा पारा यहाँ पर हो गया, बाकी आप इंटर करके सेव या ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से बता रहा हूँ आपकी कोई, बाकी सबको इंटर इंटर करके। अब यहाँ पर आ गया है, ऑटोमेटिक आया GST,
तो ऑटोमेटिक ले लेगा जीएसटी, कोई कुछ नहीं करना हमको जीएसटी, आप अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ जाके उसको सेव कर लीजिए। सेव थोड़ा सा समय लगेगा सेव होने में। ये देखिए यहाँ पर हो गया, कंपनी हैज़ बिन क्रिएटेड, तो ओके कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं ऑथराइज रिक्वायर पासवर्ड डालना है, तो नो कर देते हैं हम, अभी पासवर्ड नहीं डालना है, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करते ही अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया, खुल गया, ठीक है, अब खुल गया। अब आपके सामने बहुत सारा सेटिंग का ऑप्शन आ गया, बट आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है इसमें, इसको एग्ज़िट कर देना, ठीक है। एग्ज़िट हो गया, अब क्या करेंगे, आपका कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है, ये कंपनी क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पर से हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है साहू ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19-20, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर, अब सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, उसके अंदर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा, बट स्पीडली बताऊंगा, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में पूरे ट्रांजेक्शन हमारे काम की चीज़ें होते हैं, हमने क्या एक दुकानदार हैं या तो हम कुछ हम कंपनी, तो हम कुछ परचेज़ करते हैं, तो पहले परचेज़ करेंगे फिर सेल करेंगे, अगर वो ठीक है पहले परचेज़ करेंगे तभी तो उसको सेल करेंगे, या तो फिर मैन्युफैक्चरर है तो परचेज़ करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, उसके बाद फिनिश गुड को सेल करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें क्या होता है पेमेंट होता है, परचेज़ किए तो उसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, अगर सेल किए तो उसको रिसिप्ट पैसा भी तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है जनरल को, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, जनरल जनरल में क्या करते हैं स्टोर परचेज ये सबको डालते हैं, तो जनरल वाउचर भी करेंगे, काउंटर काउंटर जैसे हम कैश, जहाँ कैश और बैंक इफेक्ट हो रहा है वहाँ काउंटर वाउचर कहेंगे, या अपना दो दो तो बैंक में खाता है तो हम काउंटर वाउचर को वहाँ यूज़ करेंगे। अब होता है सबसे याद रखिए डेबिट, यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ठीक है, परचेस रिटर्न डेबिट नोट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न में क्या करते हैं, जब कोई माल खरीदे उसमें कुछ ख़राब निकल गया तो उसको वापस करते हैं, क्रेडिट रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट नोट करते हैं, परचेस करते हैं तो अगर कुछ ख़राब हो गया डेबिट नोट लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा है डेबिट नोट विदाउट आइटम, ठीक है। अब सपोज़ आपने एक ट्रक कुछ माल ख़रीदा, उसमें से एक से दो पीस ख़राब हो गया, तो आप पूरा अब उसको पहुंचाने तो हैदराबाद या तो बाहर से परचेज़ किए तो उसको पहुंचाने तो नहीं जाएंगे, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप वहां पर उसका पैसा काटेंगे, ठीक है, आप वहां पैसा काटेंगे विदाउट आइटम, क्योंकि आप इतना माल आपका ख़राब निकला है तो हम आपका पैसा उठा के काट देंगे, तो हम विदाउट आइटम यहाँ पर उसका कर देंगे, तो उसके अकाउंट में उतना कम दिखाने लग जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है, सामने वाला हमारा लिया तो हम बोल देंगे काट दो, क्या दिक्कत है, यहाँ से मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक जनरल, ये सब है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लेज़र ये ट्रांजेक्शन से पहले हमको एडमिनिस्ट्रेटर का ज़रूरत पड़ेगी, क्यों अब बता देता हूँ आपको। सपोज़ आपको कंपनी में कुछ इस जैसे आप कुछ भी कंपनी है तो आपको पता होगा कि क्या बनता है, क्या ख़रीदना, क्या परचेज़ करना, क्या सेल करना, तो पहले आपको क्या पढ़ना, पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मास्टर में जाना है, मास्टर में जाके क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आइटम बनाएंगे, अकाउंट्स में सबसे पहले आता है लेज़र बनाना, उसके बाद उसका यूनिट बनाना, और फिर उसके बाद उसका आइटम बनाना, ठीक है। तो हमको जैसे रिक्वायरमेंट आता है पर डे उसी हिसाब से हमको वहाँ करना पड़ता है। सपोज़ यहाँ पर मास्टर आ गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से अकाउंट्स लेज़र बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर लेज़र, लेज़र में क्या है एड अकाउंट मास्टर, ठीक है, अकाउंट मास्टर यहाँ पर जाएंगे और उसको बना देंगे। जैसे मैं यहाँ पर से जैसे मैं बना दिया यहाँ ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड करके ABC करके एक बना दिया, यहाँ पर इसको रखूँगा अंडर ग्रुप में, हम इससे परचेज़ करते हैं तो सनरी क्रेडिटर के अंदर मैं रखूँगा ABC ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर से कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल दूँगा, नहीं तो एड्रेस एड्रेस पूरा कंप्लीट कर दूँगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर से जो स्टेट है उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड डालेंगे, उसका GST नंबर डाल देंगे, और यहाँ पर से इंटर इंटर करके उसका डिटेल भर के उसको हम सेव कर देंगे, यहाँ पर से आके उसका बैंक अकाउंट भी है तो यहीं पर भर के हम सेव कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर कर दें सेव। अब हम दूसरा हम परचेज़ करेंगे तो दूसरे से सेल करेंगे, तो हम क्या करते हैं X Y Z करके एक कंपनी बनाएंगे PVT LTD, ठीक है, ये कंपनी बना दी सनरी डेटर के अंदर रखेंगे, क्यों हम इसको सेल करेंगे अंडर ग्रुप सनरी डेटर, सॉरी डेटर, ये हो गया, यहाँ ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो एड्रेस सेम वही करना, आपको जितना भी लेज़र बनाना है, जितना भी सेल या परचेज़ करना, उस कंपनी का नाम पहले आपको क्रिएट करना, उसके बाद आपको
उसमें जाके यहाँ पर से सेव कर दिया। ठीक, हमारा दो कंपनी का ऐड हो गया। अब हमको क्या करना है, अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इस ग्रुप में रखना चाहते तो। अब हम क्या करेंगे, आइटम बनाएंगे, या तो फिर आइटम बनाने से पहले आपको यूनिट बनाना है। जैसे आपके पास कुछ यूनिट रहता है लेकिन कुछ यूनिट नहीं रहता, तो हम जैसे यहाँ पर यूनिट में एमटी लेते हैं, मीट्रिक टन। ठीक है, एमटी यहाँ पर से करके मीट्रिक टन, मतलब यहाँ पर एक जीएसटी के टाइम में यहाँ पर आ जाएगा एमटी। यहाँ पर हम एमटीएस बोलते होंगे इसको, मीट्रिक टन। ठीक है, अब यहाँ पर जाके हम सेव कर दें। यहाँ से आप लेज़र यूनिट बनाएंगे, पहले यूनिट बनाएंगे उसके बाद आप आइटम बनाएंगे। अब क्या है, अब आपको आइटम, क्योंकि पहले यूनिट बनाएंगे तब तो आइटम को उसमें डालेंगे थी, अब आइटम ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर दिया एक शुगर कर दिया, सपोज शुगर दुकानदार है तो शुगर कर दिया। इसको जनरल आइटम में रखेंगे, या तो ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पर से, जैसे कोई भी सामान है तो जनरल है तो जनरल डाल दीजिए आप। अब यूनिट यहाँ पर एमटी में कर देते हैं, मान लीजिए केजी में करना चाहिए, बट हम चलिए केजी में कर देते हैं, केजी ऑलरेडी बना रहता है इसमें केजीएस। अब स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है, एचएसएन कोड है तो डाल यहाँ पर। हाँ, इसका क्या है, टैक्स कैटेगरी डाल दीजिए। अगर शुगर हमको फिक्स है जीएसटी में 18% के जीएसटी के हिसाब से है तो हम यहाँ पर कर देंगे, या तो नील है तो नील है, जो भी आप डाल सकते हैं इसमें अपने हिसाब से पहले से, ताकि हम ले तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लें। एचएसएन कोड है तो जैसे हम 123 कोई भी एचएसएन कोड उसका डाल देते हैं और इंटर 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 करके हम उसको इंटर करके सेव कर लेंगे। और यहाँ पर से सेव करके सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारा आइटम भी बन गया। अब हमारा ये काम ख़त्म, अब हमको क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन वाले काम में ही पूरा काम है। देखते हैं, वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर सबसे पहले आप परचेस एंट्री में जाएंगे, परचेस में ऐड करेंगे। ठीक है, अब परचेस एंट्री देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब परचेस एंट्री आपका शुरू। यहाँ से मेन में जाएंगे, आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए 1/4/2019, वाउचर नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप से टैक्स आ रहा, 12, 18, 5, 28। ठीक है, अब आई लिखा है तो मतलब इंटर स्टेट है, एल लिखा है मतलब लोकल स्टेट है, यहाँ पर लोकल, तो हम अभी लोकल कर रहे हैं तो लोकल जीएसटी 18% ले लेते हैं। पार्टी का नेम क्या है, हम यहाँ पर पार्टी का नेम लिख देते हैं, जैसे हम किसी से परचेस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ABC करके कंपनी बनाए थे, सनरी क्रेडिटर, यहाँ पर लिखा रहा है सनरी क्रेडिटर ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, यहाँ पर हो गया, यू आर एंटरिंग टैक्स इनवाइस आर इन अनरजिस्टर्ड पार्ट। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं हम जीएसटी नंबर नहीं डाले हैं, तो ये डमी एंट्री बता रहा हूँ, इसलिए आप डाल सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मेन डाल देंगे। अब इनपुट गुड्स, आपके पास सामान आ रहा है तो इनपुट, अगर कोई सर्विस होता तो सर्विस में डालते, या तो फिर ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट गुड्स हम डाल दीजिए। नरेशन है तो कुछ लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए आइटम के नेम शुगर, शुगर क्वांटिटी कितना है 100 किलो। ठीक है, और यहाँ पर केजी में रहेगा, रुपए कितना रहेगा आपको 100 रुपये के हिसाब से, यहाँ 10,000 रुपये हो गया। 10 रुपये होने के बाद अब यहाँ पर देखिए, आप डिफरेंट टाइप से पूरा आइटम ले सकते हैं, इसमें इंटर करके मारेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर दूसरा टाइप से ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना, हमको एक ही लेना है तो अब यहाँ पर अप्लाई टैक्स, जैसे मैं अप्लाई टैक्स करूँगा यहाँ पर आ गया 9% 18% लिए थे यहाँ पर, ये देखिए लोकल CGST 18% और SGST 9%, टोटल 10,000 का 18% इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमको सेव, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से कुछ एडवांस सेस वैसे है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना उसको। ये देखिए इधर समरी दिखा रहा है, टैक्स समरी कितना कितना है, क्या है, पूरा टोटल दिखा रहा है, यहाँ पर भी आपको टोटल दिखा दे रहा है। ठीक है, तो अभी इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसको अब आप क्या कीजिए, सेव कर दीजिए इंटर करके। अब यहाँ से हम उसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे, चलिए सेव कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमको, तो चलिए अब हम F2 दबाकर अपने इनवाइस को सेव कर लेते हैं। चलिए F2 अपने कीबोर्ड से,
F2 दबा दिए और सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू आर इंटर टैक्स इनवाइस अनरजिस्टर्ड, ओके, हम GST नंबर नहीं डालेंगे इसलिए पूछ रहे थे, यहाँ पर हम सेव कर दिए। परचेज बिल, बिल नंबर हम 1 डाल दिए हैं और डेट हमारे 1/4 के डेट में ले लिए हैं, तो अब यहाँ पर से हम ओके कर दिए। ठीक है, न्यू रेफरेंस ले लिए हैं, टोटल हमारा बिल वैल्यू इतना हो गया और इसको सेव वाउचर यस कर दिया। ठीक है, सेम यही करना है आपको, ये परचेस हो गया। अब हमको क्या करना है, सेल की एंट्री करना है। सेल की एंट्री करने के लिए हम इधर देख लेंगे, एड सेल एंट्री, तो यहाँ पर जाएंगे, F8 दबा देंगे या तो सेल एंट्री जाएंगे, या तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ अपने ट्रांजेक्शन में जाके आप सेल का एंट्री करेंगे, सेल में एड कर देंगे। मैं बहुत ही स्लो बता रहा हूँ, अच्छा आपको समझ आया था कि मेन में ले लेंगे, सेल एंट्री हो रहा है 1/4 के डेट में ले रहे हैं, सेल की एंट्री ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पर से, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आएगा। अब क्या है, हम इंटर स्टेट पर सेल करेंगे, कुछ चीज़ें लोकल स्टेट से करेंगे। लोकल स्टेट से 18% ले लिया, पार्टी का नाम हम बना देंगे। पार्टी का नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिखा रहा है एड F2 दबा देंगे, इस यहाँ पार्टी का नाम में आके F2 दबा देंगे, किसी का बनाना, या तो फिर आपको क्या है XYZ करके एक कंपनी बनाया थी, XYZ में कंपनी में इंटर कर देंगे। उसके बाद मेन सेंटर में आ जाएंगे, नरेशन दे देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब शुगर जो सेल परचेज किए थे उसको सेल करेंगे। ठीक है, 100 किलो हम खरीदे थे, अब हम इसमें से 10 किलो सेल कर देते हैं, कितने के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से परचेज किए थे, 110 रुपये के हिसाब से हम सेल कर देते। ठीक है, यहाँ पर आ गया, और बहुत सारा आइटम ले ले सकते हैं यहाँ पर। अब F4 दबा दीजिए या तो फिर अप्लाई टैक्स करेंगे, तो यहाँ से GST SGST आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, F2 दबाना है। F2 दबाने के बाद यहाँ पर न्यू रेफरेंस आ रहा है, न्यू रेफरेंस, अब वो उसके ओके कर देंगे, सेव कर देंगे वाउचर। ये हमारा अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर यस करेंगे और हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ यस कर देंगे, और वो इनवाइस अगर प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट कवर स्टैंडर्ड करके हम यहाँ पर से प्रीव्यू कर लेंगे, पहले प्रीव्यू करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपका इनवाइस प्रिंटिंग हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये हो गया आपका इनवाइस, आप इसको प्रिंट करके डायरेक्ट आप कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, सेल और परचेज की एंट्री हो गया, सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। अब क्या है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, सेल और परचेस हो गया। अब हमको क्या करना है, सेल रिटर्न, कुछ माल हमारा ख़राब निकल दो, उसमें से सेल रिटर्न करेंगे और परचेस रिटर्न करेंगे। तो अब फिर से हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर से हम सेल्स रिटर्न में, परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस हम किए हैं उसमें से कुछ माल ख़राब निकल गया, तो यहाँ पर ले लेंगे वाउचर नंबर 18%, यहाँ पर 18% आ गया, पार्टी नेम आ गया, हम किसको अभी क्या है, परचेस रिटर्न डेबिट नोट देने, हम जिससे परचेस किए थे हम ABC कंपनी से खरीदे थे, ठीक है, तो उसी को हम करेंगे। यहाँ पर हम किससे परचेस किए थे, एक नंबर, आपका इनवाइस नंबर किसके अगेंस्ट में, तो एक नंबर के ओके कर देंगे। मेन स्टोर ले लेंगे, इनपुट गुड्स नरेशन लिख देंगे, यहाँ शुगर यहाँ पर लिख दिए, कितना 10 किलो उसमें से ख़राब निकल गया। ठीक है, तो वही चीज़ है यूनिट, और हम 100 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, तो उसको ले रही 1000 रुपये का, और टैक्स के समेत हमको उसको टैक्स के साथ ही हम F2 दबा के अब इसको अनरजिस्टर्ड बोल रहा है, तो GST नंबर नहीं डालें, इसे सप्लायर क्रेडिट नोट नंबर उसका नंबर हम 1 डाल देते हैं, यहाँ पर इंटर करके उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और ओके कर देते हैं, यस सेव हो गया। अब हम वो लिस्ट को देखते हैं, तो कहाँ से F5 दबा के, या फिर यहाँ पर लिस्ट है वहाँ पर आके देख सकते हैं, यहाँ पर से मेन में जाके आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ कहाँ तक देखना है, और यहाँ पर जाके ये देखिए ABC कंपनी जिससे शुगर हम यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिस्ट देख लेंगे, अब हम वही क्रेडिट नोट का एंट्री कर लेंगे, क्रेडिट नोट सेम है, यहाँ पर हमने जो सेल किया उसको वापस कस्टमर वापस कर रहे हैं, तो उसको हम वापस कर रहे, तो हम वापस अपने अकाउंट्स बुक्स में ले लेंगे, लोकल है, पार्टी का नाम क्या है, हम किसको सेल किए हैं, XYZ को। ठीक है, हम XYZ को किए थे, वाउचर नंबर क्या डालते हैं, 1, ओरिजिनल डज नॉट, तो आपको ओरिजिनल वाउचर नंबर जो दिए थे ये था 1,
जो वाउचर नंबर है वो हम प्रिंट करके देंगे, वो वापस लाएगा, तो फिर उसी को करके हम एक और क्या था उसमें, हम जाकर देख लेते हैं लिस्ट को। ओरिजिनल वाउचर नंबर डाल से नरेशन इंटर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर से नरेशन इंटर करके शुगर 10 किलो लिया था उसमें से 2 किलो खराब, सपोज ख़राब निकल गया 110 के हिसाब से वो बेचे थे, उसी रेट से ही वापस करेगा और उसको उसमें GST लगा के हमको वापस कर देगा। F2 दबा के इसको भी सेव कर लीजिए, ठीक है। रेफरेंस नंबर इसको कैंसिल करके F2 दबा के ओके कर देंगे, ठीक है। ओके सेव हो गया, ये सेल परचेज क्रेडिट नोट डेबिट नोट का एंट्री हो गया। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पर से पेमेंट की एंट्री सबसे, अब देखिए पेमेंट की एंट्री आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री है। यहाँ पेमेंट में आएंगे या तो फिर आप इधर से देख लेंगे सारे डाटा है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तो मेन ले लेंगे। अब पेमेंट की एंट्री देखिए, नॉट एप्लीकेबल नॉन GST, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने आपको एक रूल बताया था CR और DR, CR मतलब गीवर, याद रख लीजिए, लिख लीजिए CR मतलब गीवर और DR मतलब रिसीवर। मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब गीवर कौन हो या हम हुए ना, तो CR। अब यहाँ पर डी आ रहा है तो यहाँ पहले उसका हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, ABC से हम कुछ माल परचेज किए थे ABC प्राइवेट लिमिटेड से, कितना 10,000 रुपये हम करेंगे। तो एक सॉरी, यहाँ पर से उसका नरेशन लिख देंगे और यहाँ पर से हम क्या करेंगे कैश में कर देंगे, या तो फिर अपना बैंक अकाउंट खोल देंगे, बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे, वहाँ से एक लेज़र बना देंगे और यहाँ पर जाके हम उसको सेव कर देंगे, ठीक है। माइनस में कैश बता रहा है क्योंकि हमारे पास अभी इसमें कैश नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज हम CR मतलब गिवर, DR मतलब रिसीवर, तो हम जैसे किस ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस, जैसे ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस दिए किसी, जैसे ऑफिस रेंट दे दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, वो कितना दे दिए 10,000 रुपये दे दिए। तो ये देखिए CR मतलब गिवर, DR मतलब रिसीवर, वही CR मतलब गिवर, हम तो DR पर्सनली हम रिसीवर, तो हम रेंट देंगे तो उस ऑफिस रेंट वाले रिसीव करें, तो पहले DR आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कैश में या तो फिर अपना बैंक अकाउंट एक खोल दीजिएगा और यहाँ पर से उसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, अब ये तो हो गया पेमेंट की, अब रिसिप्ट की, हमने कुछ सेल किए थे उसका रिसिप्ट करेंगे, तो यहाँ पर रिसिप्ट में जाएंगे और इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर से नॉट अप्लीकेबल में। अब यहाँ पर देखिए CR मतलब गीवर, DR मतलब रिसीवर, CR मतलब गीवर मतलब देने वाला कौन है, जो सामने वाला पार्टी हमको पैसा देगा, तो वो CR आ जाएगा, CR मतलब गीवर देने वाला है और DR में अपना नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर CR में एक XYZ कंपनी था, ठीक है, एक XYZ को हम बेचे थे कितना 1,000 के हिसाब से, इसको ओके कर लीजिए, इसके बारे में बाद में बताऊँगा अगेंस्ट है। और यहाँ पर हम अपने को कैश ले लेंगे, कैश इन हैंड इंटर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी आपकी रिसिप्ट की एंट्री आएगी तो उसको आप पेमेंट्स और रिसिप्ट की एंट्री कर लेंगे। अब क्या होता है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या है, सारे जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है ऑफिस का, जितने भी स्टोर परचेस या तो जो भी होता है उसको आप जनरल एंट्री में एंट्री करेंगे, ठीक है। काउंट्रा वाउचर क्या होता है, काउंट्रा वाउचर जहाँ कैश और बैंक इफेक्ट होता है वहाँ कैश और बैंक के लिए हम काउंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं, ठीक है आप। तो इस तरह से आप बिजी में डिफरेंट टाइप से एंट्री कर सकते हैं। अब आपने जो भी काम किया है उसका डिस्प्ले में जा कर के आप फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रायल क्लोजिंग अल्फाबेटिक, तो यहाँ पर से आप पूरा उसका ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे अकाउंट समरी देखेंगे, अकाउंट बुक्स देखेंगे, तो वहाँ पर से उसका डिटेल आ जाएगा, ये पे यहाँ पर से सारे डिटेल प्रिंटिंग के लिए यहाँ है, सब चीज़ है, आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा, बस पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं आपको बता दिया, आगे इसका अपग्रेडेड वर्जन अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।